सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है ईवी कार को लेके। तो आज ईवी कार के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं, ऐसे मिथ्स हैं कि भाई ईवी कार की कॉस्ट बहुत कम पड़ती है लेने के बाद में। तो क्या वाकई में ऐसा है, या फिर पेट्रोल कार भी लगभग उसके बराबर पड़ती है? तो उसी पर बात करेंगे और फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं ईवी कार्स को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ हमें ना लॉलीपॉप दिए जाते हैं, जो शोरूम की तरफ से या डीलर्स की तरफ से या फिर कंपनीज की तरफ से, कि भाई ईवी कार बहुत सस्ती पड़ रही है आपको। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो एक बनाना चाहिए। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, कोई सी भी कार खरीदे हम, चाहे ईवी पे जाएं, चाहे पेट्रोल पे जाएं, चाहे डीजल पे जाएं, लेकिन हमें पता होना चाहिए एंड ऑफ द डे हमारा कितना इस पे कॉस्ट पड़ रहा है, कितना इसमें खर्चा आ रहा है हमारा, क्या क्या खर्चा फ्यूचर में आ सकता है जो हमसे हिडन रखा जाता है, फ्यूचर वाली कॉस्ट। तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो पहले शुरू करते हैं वीडियो, और कुछ प्लस पॉइंट, कुछ नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है ईवी में, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ना हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में देखो, सबसे पहले तो फ्यूचर कार ईवी है, तो ऑब्वियसली अभी फिलहाल तो जो कार्स का फ्यूचर हमें दिख रहा है वो सिर्फ ईवी ही दिख रहा है। बाकी जो लाइक फ्यूल है वो हमारे पास, उसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं हमारे पास। हाँ। तो वो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ इसमें कि एक तरीके से हम सेव कर रहे हैं फ्यूल, अगर हम ईवी कार्स या ईवी व्हीकल ले रहे हैं तो उसमें हम एक तरीके से फ्यूल सेव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, जो और चीजों में यूज हो सकता है आने वाली जनरेशन के लिए। राइट। उसके बाद बात करते हैं कि पोल्यूशन की, क्योंकि सबसे बड़ी चीज आपको यही कही जाती है कि भाई पोल्यूशन वो कार्स कम फैलाती है। हाँ। तो दैट इज ट्रू, बट इट डजंट मीन कि बिल्कुल नहीं फैलाती है। सबको पता है जब लिथियम बैटरीज बनती हैं तो क्या उसका सिनेरियो है और कितना पोल्यूशन होता है। बट अगर फिर भी हम कंपेयर करें कि जो एक लाइफ साइकिल होता है कोई भी डीजल, पेट्रोल या सीएनजी इंजन का, वो कितना पोल्यूशन फैलाता है अपने एक लाइफ साइकिल में, उससे स्टिल लिथियम बैटरी की मेकिंग में कम पोल्यूशन होता है। जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने में हम हेल्प कर रहे हैं अगर हम ईवी कार्स लेते हैं तो। तो ये तो हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट, बट नेगेटिव भी हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। नेगेटिव सबसे पहला है कि आप ईवी कार को जो है बहुत लंबा लेके नहीं जा सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेके जाओ, बट कुछ भी इमरजेंसी में आपको जाना पड़ रहा है, मान लिया आप कहीं से अभी रन करके आए हो, लेकिन उसको चार्ज होने में एक टाइम चाहिए, बट उतना टाइम आपके पास है नहीं। Right. तो या तो आपके पास दो गाड़ियां होनी चाहिए, यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट, दो गाड़ियों का मेंटेनेंस बढ़ गया फिर, और अगर कोई दो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसे किसी से गाड़ी मांगनी पड़ेगी जाके, गाड़ी होते हुए भी उसको जाके गाड़ी मांगनी पड़ रही है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कि हम उसको इमरजेंसी में एकदम यूज नहीं कर सकते कई बार। Right. या हम लॉन्ग रन पे जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे हमारा मन है जाने का भाई, जैसे कि लंबे लंबे ट्रैवल करते हैं लोग, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, मतलब 500 तो आराम से जाएगी, बट बीच में आपको ना ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। राइट, आपको चार्जिंग करनी पड़ेगी और चार्जिंग के लिए भी टाइम जाता है। हाँ, और दूसरी चीज जो नेगेटिव पॉइंट है, अभी चार्जिंग स्टेशंस उसके प्रॉपरली वो सेटअप नहीं है जो होना चाहिए। हर जगह आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेंगे, तो आपके दिमाग में एक डर रहता है अगला चार्जिंग पॉइंट कहाँ मिलेगा, मुझे पता ही नहीं है। Exactly. अगर हम लोग यहाँ से पुणे जाने का सोचें, हाँ, तो नहीं हमें चार बार सोचना पड़ेगा। तो वही सबसे बड़ा वो रहता है कि एक अपने अंदर ना डर रहता है गाड़ी चलाते हुए कि यार चार्जिंग इतने परसेंट बची है, अब हमें जाना है, अभी इतने किलोमीटर हम पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे, एक वो डर जो है वो हमेशा आपके अंदर बना रहेगा। तो अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, जिसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि भाई ईवी कार और पेट्रोल कार मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ, क्या दोनों की कॉस्ट एंड ऑफ द डे कितनी पड़ रही है कुछ टाइम चलाने के बाद में। तो वो ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं मिलेगा वहां पे। तो अब हम कंपेयर करते हैं कार। कार कंपेयर करने के लिए हम एक ही ब्रांड की कार लेंगे, सेम वेरिएंट लेंगे, बेस वेरिएंट लेंगे, बट जो पेट्रोल इंजन हम लेने वाले हैं उसमें हम ऑटोमेटिक वेरिएंट लेंगे, क्योंकि जो ईवी कार है उसमें आपको ऑटोमेटिक मिलता है, तो कहीं ना कहीं उधर भी जस्टिफाई होना चाहिए, पेट्रोल का भी हम ऑटोमेटिक वेरिएंट लेंगे।
तो लेने कौन से वाले हैं हम कार? तो ऑफकोर्स नेक्सन की बात करने वाले हैं, क्योंकि नेक्सन आपको पेट्रोल में भी मिलती है, ईवी में भी मिलती है, इवन डीजल में भी मिल जाती है। बट यहाँ पे हम सिर्फ पेट्रोल और ईवी कंपेयर करने वाले हैं। ईवी का हम बेस वेरिएंट लेते हैं जो कि एक्सएम है। अगेन पेट्रोल का भी हम बेस वेरिएंट लेते हैं जो कि एक्सएम है, बट उसमें एक्सएम ए लेते हैं बिकॉज उसको भी हमें ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक ही कंपेयर करना है। अब हम कंपेयर करने वाले हैं दोनों कार्स को, बाइंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, और जो भी चार्जिंग का ईवी में खर्चा आता है, और जो भी फ्यूल का खर्चा आता है आपका पेट्रोल में। तो ये हम लेने कैसे वाले हैं? ये हम लेने वाले हैं 160,000 किलोमीटर तक। 160,000 क्यों एक बैरियर डिसाइड किया? क्योंकि जो ईवी की वारंटी पीरियड होता है या तो वो 8 साल होता है या तो 160,000 किलोमीटर होता है। तो 8 साल क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि किसी का वो पहले ही खत्म हो जाएगा। किसी ने 2 साल में ही चला दी या किसी ने 3 साल में चला दी, तो फिर उसका कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि उसका वारंटी पीरियड हो चुका है, खत्म। तो सबसे पहले ईवी की बात करते हैं। तो ईवी का एक्सोरूम प्राइस पड़ता है एक्सएम का 15 लाख, और अगर हम इसकी चार्जिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो 15 लाख किलोमीटर को हम डिवाइड कर देते हैं सीधा 250 किलोमीटर से, मतलब एक चार्ज में जो चलती है ये 250 किलोमीटर चलती है। कितनी चार्जिंग हमें करनी पड़ेंगी? वो आती है 640 चार्जिंग। अब पर चार्जिंग जो कॉस्ट हमने लिए वो लिए 450, क्योंकि फास्ट चार्जिंग जो कॉस्ट करती है वो करती है 600 के आसपास, और जो मिनिमम चार्जिंग आप अपने घर पे करते हो वो आपको कॉस्ट करेगी 300 के आसपास। तो मैंने एक बीच का अमाउंट ले लिया है 450, कई बार बाहर भी होंगी कई बार घर भी होंगी। तो ये टोटल इनको जो इसकी जो चार्जिंग कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 2,88,000। अब बात करेंगे मेंटेनेंस की। तो मैंने जो सर्विस ली है, वैसे इससे थोड़ी बहुत ज्यादा ही सर्विस होती है, पर मैंने फिर भी 10,000 किलोमीटर के हिसाब से एक सर्विस ली है, 16 सर्विस इसकी मान ली है, और जो पर सर्विस इसकी कॉस्ट आती है वो लगभग 2500 आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा 2500 आएगी, 2500 से ऊपर भी जाएगी, मिनिमम 2500 मैंने ली है। तो यहाँ मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। तो पर सर्विस अगर 2500 के हिसाब से हम कॉस्ट देखते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग इसकी जो आ रही है 40,000 के आसपास आ रही है। अब टोटल जो कॉस्ट पड़ी इस गाड़ी की तो वो पड़ी है 18,28,000, जो 1,60,000 किलोमीटर चलने के बाद पड़ी। अब बात करते हैं पेट्रोल की। तो पेट्रोल में हमने लिए XMA नेक्सन, जिसका एक्सोरूम प्राइस स्टार्ट है 9,25,000। अब करते हैं फ्यूल कॉस्ट की बात। तो फ्यूल कॉस्ट में लगभग 1,60,000 किलोमीटर को अगर हम चलाते हैं तो इसका जो एवरेज है, एक मैंने लेके चला हूं 16 किलोमीटर पर लीटर का, तो उस हिसाब से लगभग 10,000 लीटर पेट्रोल आप फूंक दोगे। और आज की डेट में रेट जो चल रहा है वो चल रहा है अराउंड 100 से कम भी है, 100 से ज्यादा भी है कुछ जगह, और मैंने 2022 के हिसाब से एक एवरेज 100 ले लिया है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया मैंने। तो लगभग 10 लाख इसकी जो कॉस्ट पड़ रही है फ्यूल की पड़ रही है। अब बात करेंगे मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस में वही मैंने इसकी 16 सर्विस ली है, 10,000 किलोमीटर पे हर सर्विस ली है, वैसे 16 से कम ही होंगी क्योंकि इसकी शायद कुछ सर्विसेज ना 15,000 किलोमीटर पे होती हैं। तो पर सर्विस 7,000 कॉस्ट आप मान के चलो, तो उसके हिसाब से अगर हम सर्विस कॉस्ट देखते हैं तो वो पड़ रही है 1,12,000। अब नेट जो कॉस्ट इसकी आई है वो आई है 20,37,000 रुपए। तो ये हमें कॉस्टली पड़ रही है कितनी? 2,09,000 रुपए। और अगर हम इसके बिल्कुल मैनुअल वेरिएंट पे जाते हैं, बेस वेरिएंट पे जो एक्सी है, तो उसके हिसाब से ये कॉस्ट जो कम हो जाती है और पड़ती केवल 44,000 रुपए एक्स्ट्रा। तो ये तो हो गई कॉस्ट कैलकुलेशन। हाँ, 2,09,000 रुपए डिफरेंस आया जो आपने फ्यूल फूंका जो भी करा इतने किलोमीटर में। हाँ, तो पहली बात तो जब हमने पहले ये कार खरीदी तो हमने एक बड़ा अमाउंट 5,00,000 का एक अमाउंट हमने पहले ही ज्यादा दे रखा है। 5.75 लाख हमने एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं लगभग शुरू में ही। हाँ, जिसको हम देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में भी बोलो तो आप किधर भी किसी भी बिजनेस में लगा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, और बिल्कुल कुछ नहीं करना ना तो FD भी कर दो तो भी उसमें कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा। हाँ, ये सबसे बिल्कुल ऐसा तरीका FD ना क्या चीज होती है जैसे जिसमें सबसे कम इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, अदरवाइज अगर आप में दिमाग है तो आप किधर भी लगा सकते हो वो पैसा। बिल्कुल। तो पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात, अब 2 लाख का जो फर्क आ रहा है, 2,09,000 का ये फर्क अब आपको आगे चल के समझ आएगा क्योंकि अब हो गई है आपकी ईवी की वारंटी खत्म। हाँ, और इसमें अब चेंज होने शुरू होंगे बैटरी सेल्स,
पहली बात तो अभी हमें ये भी श्योरिटी नहीं है कि सिर्फ बैटरी सेल्स ही चेंज होते हैं, अब कंप्लीट बैटरी पैकेज चेंज होता है, क्योंकि जब आप खरीदते हो तो आपको बोला जाता है कि बैटरी सेल्स चेंज होंगे, बट जब कुछ इशू आता है बीच में आपकी बैटरी में, मतलब कुछ प्रॉब्लम आती है बैटरी रिलेटेड, तो वो जो वारंटी पीरियड में चल रही है आपकी कार, तो उस टाइम पे वो सेल्स नहीं चेंज करते, उस टाइम पे वो कंप्लीट बैटरी पैकेज चेंज करते हैं। तो अब जब वो वारंटी में भी एफिशिएंसी नहीं दिखा रहे, तो तब का क्या भरोसा है जब आप अपना पैसा देके चेंज कराओगे। तो सबसे बड़ी बात ये भी है। और जो पर सेल अगर हम कॉस्ट लेके चले तो 15,000 से 20,000 के आसपास कॉस्ट करेगा पर सेल। 12 सेल टोटल होते हैं इसकी जो लिथियम बैटरी होती है उसके अंदर। तो अगर आपके ये सोच लो कि 3 या 4 भी आपके चेंज हुए तो लगभग 60,000 के आसपास आप मान के चलो, 60,000 से 70,000 आराम से आपके लग गया आपका। अगर हाँ, आपने 4 सेल भी चेंज करा लिए तो 4 सेल में आपका कितना 80,000 रुपया चला गया। हाँ सीधा। हाँ। और उसके अलग रही थोड़ा, जब आपकी गाड़ी को 1 साल हो जाएगा तो उसके बाद जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी आपको इसकी महंगी पड़ेगी ईवी की, क्योंकि उसकी जो एक्सोरूम प्राइस है वो उससे काफी ज्यादा है। देखो इंश्योरेंस फिर आपको महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा हर साल। फिर जब वारंटी के बाहर आ जाएगी, तो अगर सपोज आपका बैटरी पैकेज चेंज होने लगा तो हाँ, उसका कॉस्ट 5.5 लाख से लेके 6 लाख 20 हजार तक जा सकता है नेक्सन का। बिल्कुल। तो अगर वो हो गया तो फिर तो बड़ा ही बम्प फूटेगा, बट अगर शेल भी चेंज हुए तब भी वो ज्यादा ही जाएगा। बिल्कुल। सो गाइस ओवरऑल अगर हम एंड में देखें तो ये कॉस्ट जो 2,09,000 रुपए आई है कहीं ना कहीं ये बिल्कुल उसके इक्वल हो जाएगी जो हम उसमें भी लगाने वाले हैं इतने रुपए। सब कुछ लेवल अप हो जाता है एंड में। बिल्कुल। बाकी डिपेंड करता है भाई हर आदमी की ड्राइविंग स्किल्स पे, हर आदमी का कैसे उसको मेंटेन करके रखता है उस चीज पे डिपेंड करता है। करने को आदमी 1 महीने में गाड़ी पूरी खुलवा देते हैं, ना खुलने को बहुत सो की बेचारों की 15-15, 20-20 साल भी नहीं खुलती है। That's totally depend, but हाँ, ये चीज बताने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आप नेक्सन ईवी या कोई भी ईवी कार मत लो। ईवी कार लो क्योंकि वो ही फ्यूचर है। इवन लाइक ये तो कितने दिन चलेगा पेट्रोल डीजल, ये तो लिमिटेड ही है। बट ये हाँ, सोच के मत लो कि भाई ईवी हमें बहुत सस्ती पड़ जाएगी। right। और ईवी हमारा कोई खर्चा नहीं होगा, अब हम पैसे बचाएंगे। हाँ ये सोच के मत लो। right। सो गाइज होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी और जो हमारा पॉइंट था बताने का वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। कमेंट करके भी बताना अगर आपके कोई सजेशन है। तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।